जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हाँ, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है BMD को नंबर वन न्यूज चैनल बनाने में। फर्स्ट नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए आपको लिए चलते हैं आज गरीब छात्र छात्राओं के उत्थान हेतु सरकार द्वारा सराहनीय पहल की ओर। बताते चले कि जम्मू अंचल 2 के रिटायर्ड में अवस्थित CBSE मान्यता प्राप्त वेब इंटरनेशनल स्कूल में RTE राइट टू एजुकेशन के तहत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। RTE के अनुसार निजी विद्यालयों को 25% BPL परिवारों के बच्चों का नामांकन पहली या प्रथम प्रवेक्षित कक्षा में लेना आवश्यक है। इसके तहत नामांकित बच्चों को कक्षा 10वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा किताब कॉपी सहित अन्य संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जिसका भुगतान राज्य सरकार करती है। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा इस मामले में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने निजी विद्यालयों के संचालकों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे सब RTE के तहत BPL परिवारों के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। वेब के निदेशक कृष्णा सिंह ने कहा, RTE के नियमों के पालन के लिए उनका विद्यालय कटिबद्ध है। क्षेत्र की गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार अपने बच्चों का नामांकन उनके विद्यालय में करवाने के लिए आवश्यक कागजातों के साथ 15 अप्रैल तक आवेदन विद्यालय आकर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इधर विद्यालय के प्रिंसिपल सूरज कुमार क्या कहते हैं इस बारे में। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। सिंहटाण में अवस्थित CBSE मान्यता प्राप्त वेव इंटरनेशनल स्कूल में RTI राइट टू एजुकेशन के तहत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। RTI के अनुसार निजी विद्यालयों को 25% BPL परिवारों के बच्चों का नामांकन पहली या प्रथम प्रवेशित कक्षा में लेना आवश्यक है। इसके तहत नामांकित बच्चों को कक्षा 10वीं तक मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। उन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा किताब कॉपी सहित अन्य संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जिसका भुगतान राज्य सरकार करती है। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा इस मामले में काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने निजी विद्यालयों के संचालकों को सख्त निर्देश भी दिया है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। वेव इंटरनेशनल स्कूल सियाटाड की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक स्पेशल मैसेज है उन पेरेंट्स के बारे में जो निम्न आय के श्रेणी में आते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। RTE के अंदर, जैसा कि राज्य सरकार ने RTE के अंतर्गत फ्री में एजुकेशन देने के लिए बच्चों की योजना बना रखी है, उसके अंतर्गत RTE के अंतर्गत हम अपने स्कूल में भी ऐसे पेरेंट जो निम्न श्रेणी में आते हैं या BPL कैटेगरी में आते हैं वो हमारे स्कूल में पहुँच कर यहाँ आवेदन कर सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। कक्षा 1 तक के बच्चे कक्षा 1 से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा के लिए वो किसी आसपास के अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, उस स्थिति में हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय जो है फ्री में एजुकेशन इन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, प्रदान करवा रहा है। तो आप स्कूल के से संपर्क कर सकते हैं और ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।